अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपको सैमसंग गैलेक्सी ए सीरीज़ के हवाले से एक और गुड न्यूज़ देने आया हूँ। और यह सैमसंग गैलेक्सी ए सीरीज़ में एक नए अपकमिंग मॉडल की हवाले से है। आपको पता ही है कि सैमसंग ने गैलेक्सी A30 और A50 मोबाइल्स को लॉन्च कर दिया हुआ है, और ये इंडिया में अवेलेबल भी हैं। तो इसी हवाले से मैं एक और गुड न्यूज़ लेके आया हूँ, वो सैमसंग गैलेक्सी A60 के हवाले से है। जी हाँ, बिल्कुल आपने ठीक सुना, सैमसंग जो है अभी एक और नया मॉडल रिलीज़ करने वाला है, और वो मॉडल है सैमसंग गैलेक्सी A60। ये A50 का जो अपर मॉडल है वो होगा। A50 से काफ़ी इसकी स्पेसिफिकेशंस मिलती जुलती हैं, लेकिन ये सिर्फ देखने की सूरत में उस जैसा लगता है, लेकिन इसमें काफ़ी हद तक उन्होंने सैमसंग ने चेंजिंग की हैं। तो इस हवाले से मैं अभी आपको प्रूफ भी दे देता हूँ, मेरे पास लीक्स मौजूद हैं। वैसे पहले भी मैं जो न्यूज़ शेयर करता हूँ वो कंफर्म होती हैं, ऑलमोस्ट कंफर्म होती हैं, थोड़ा बहुत चेंजिंग हो सकती हैं क्योंकि वो लीक से ही मुझे न्यूज़ मिलती हैं। तो आज मैं आपको उस हवाले से एक प्रूफ भी दे देता हूँ, अभी आपको मैं दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 6.7 इंचेस का इन्फिनिटी यू डिस्प्ले है और सुपर एमोलेड डिस्प्ले है, फुल HD+ रेजोल्यूशन के साथ है, ऑन स्क्रीन फिंगरप्रिंट स्कैनर है, ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप है, बैक पे और फ्रंट पे 32 मेगापिक्सल का कैमरा है। इसके अलावा स्नैपड्रैगन का 675 जो है सैमसंग की तरफ से लेटेस्ट चिपसेट यूज़ किया गया है, और 3D ग्लास्टिक टेक्नोलॉजी इसमें मौजूद है। 6 GB और 8 GB रैम वेरिएंट में हमें ये अवेलेबल होगा। 128 GB इसकी इंटरनल स्टोरेज होगी और 4500 जो है इसका mAh बैटरी होगी, और फास्ट चार्जिंग को भी ये सपोर्ट करता है। तो दोस्तों, ये था हमारा सैमसंग गैलेक्सी A60। आपने देखा कि ये काफ़ी हद तक देखने में तो सैमसंग गैलेक्सी A50 के जैसा ही है, लेकिन इसमें हमें काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट्स भी देखने को मिली हैं। कैमरा की अगर बात की जाए तो इसमें हमें 32 मेगापिक्सल का बैक पे कैमरा और 32 मेगापिक्सल का ही फ्रंट पे कैमरा दिया गया है। और जो बैक वाला कैमरा है इसमें एक लीक में हमें 32 और 32 की भी बात की गई है, मतलब एक में 35 और एक में 32। तो देखते हैं कि सैमसंग अब इसको 32 मेगापिक्सल देता है या 35। ये अभी क्योंकि लीक्स हैं इससे हमें 100% तो पता नहीं चल सकता, लेकिन काफ़ी हद तक ये लीक्स ऑथेंटिक हैं। और इसके अलावा जो 3D ग्लास्टिक टेक्नोलॉजी की बात की गई है, ये इसकी वही बिल्ड क्वालिटी है जो इसकी बैक फिनिश की गई है। जो इसकी बैक फिनिशिंग होगी वो सैमसंग गैलेक्सी A50 जैसी ही होगी या A30 जैसी ही होगी। इसके अलावा इसके प्रोसेसर की अगर बात की जाए तो ये सैमसंग का एक लेटेस्ट चिपसेट है स्नैपड्रैगन का, जो 675 होगा, और ये हो सकता है काफ़ी अच्छा प्रोसेसर हो क्योंकि A50 में भी हमें काफ़ी अच्छा प्रोसेसर दिया गया था। तो जाहिर बात है ये इसका अपर वर्जन होगा, इसमें हमें डायरेक्ट स्नैपड्रैगन का 675 मिल जाएगा, तो ये काफ़ी अच्छा प्रोसेसर होगा। उम्मीद करते हैं कि सैमसंग हमें इस बार नाउम्मीद नहीं करेगा। और दूसरा ये कि हम इसकी रिलीज़ की अगर बात की जाए तो रिलीज़ पाकिस्तान में हो सकता है इस साल के मिड में इसको रिलीज़ कर दे, मतलब जून तक इसको रिलीज़ कर ही देगा। और अगर मज़ीद इसके हवाले से मुझे कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है तो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगा। तो आप भी एक काम कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इसके साथ ही हो सके तो बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिएगा। इसके अलावा अब इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि मैं मज़ीद इस तरह की न्यूज़ आपके लिए लेकर आऊँ। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, आपने मेरी वीडियो को देखा, और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़।